खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों और पंजाब पुलिस के बीच झड़प के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान सामने आया है। पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था ताक पर होने की बात पर सीएम मान ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। सबसे सवाल है, जिस प्रकार से पंजाब में हिंसा हुई है, नाला पुलिस के सचिव को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद वहां पर पुलिस वालों को भी पीटा गया, एक एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई है, क्या कुछ कहेंगे उसको? देखिए, आप लोगों के पास यहां गलत सूचनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में कंट्रोल में है, पंजाब पुलिस सक्षम है और पंजाब का जो सोशल बॉन्डिंग है उस पर गोलियां भी चली, 10 साल बम भी फूटे, लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में वो लोग मिलके रहना पसंद करते हैं। अमन शांति वाला हमारा स्टेट है और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अब वहां पे इन्वेस्ट करने लगी हैं, क्योंकि पहले किसी खास फैमिली के साथ एमओयू होता था, अब पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ जो है वो एमओयू हो रहा है। पंजाब को नंबर वन स्टेट हम बनाने में अपनी तरफ से हमारी गारंटी थी, जब अरविंद जी और हम सारी टीम चुनाव प्रचार कर रहे थे तब हम गारंटियां दे रहे थे, बिजली मुफ्त की गारंटी, कच्चे मुलाजिम को पक्के करने की गारंटी, रोजगार की गारंटी। तो मैं तो मतलब यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने अरविंद केजरीवाल के साथ मातोश्री पहुंचे भगवंत मान एक प्रेस वार्ता के दौरान अजनाला हिंसा के सवाल को टालते हुए नजर आए। अजनाला झड़प पर एक सवाल के जवाब में मान ने कहा कि आपके पास गलत जानकारी है, पंजाब में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है और पंजाब पुलिस सक्षम है। आपको बता दें कि 23 फरवरी को वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने के बाहर खूब हंगामा काटा था। ये सभी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, इनके हाथ में लाठी बंदूक और तलवारें थी। इन्होंने पुलिस की बैरिकेड तोड़ जबरन पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश भी की थी। ये सभी अपने एक साथी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, जिसे पुलिस ने किडनैपिंग केस में अरेस्ट किया था। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।